हमारे साथ जुड़े हैं यूएसए से डॉक्टर रणवीर सिंह राठौर। बहुत स्वागत है डॉक्टर रणवीर आपका। सबसे अहम सवाल यही है जो आपसे जानना चाहेंगे, ट्रीटमेंट का कोविड को लेकर क्या कोई इंटरनेशनल पैरामीटर है या हर जगह यानी पूरी दुनिया में एक ही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है? बोले आपको जैसे पता है कि डिजीज इवॉल्व हो रही है पिछले साल भर में, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस आ रही हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया से हैं, खासकर जैसे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स से। तो जो स्ट्रेट आंसर आपके सवाल का ये होगा कि धीरे धीरे चेंज हो रही है, पर जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो यही चल रहा है इस समय, जो कि यहाँ यूएस में प्रैक्टिस हो रही है और काफ़ी हद तक इंडिया में हो रही है। पर हर जगह पे लोग जो फिजिशियन है किसी एक चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, पर हमें डेटा देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। डॉक्टर रणवीर, अगर मास्क को लेकर बात करें या ऑक्सीजन को लेकर बात करें, लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि अगर कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो हमें रेमडेसिविर की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये क्या मात्र एक भ्रांति है? यस, काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। इसका जो सही ट्रीटमेंट जो अभी कर रहे हैं और जो इफेक्टिव लग रहा है वो यही है कि वैक्सीन से आपको 90% जो है प्रिवेंशन मिल जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर ऑक्सीजन और स्टेरॉइड से सबसे ज़्यादा इफेक्ट और फ़ायदा मिल रहा है। रेमडेसिविर का जो यूज़ है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में, और उसका इफेक्ट जो है दो मेन ट्रायल हुई है, ACT-T1 एंड देन सॉलिडैरिटी ट्रायल, उसके अंदर बहुत ही मिनिमल बेनिफिट मिला है, मे बी 5-10 बेनिफिट्स इन ACT-T1 एंड सॉलिडैरिटी ट्रायल, दो WHO स्पॉन्सर्ड है उसमें कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिला है, एंड WHO इज गिविंग एडवाइस नॉट टू यूज इट। डॉक्टर रणवीर, सेकेंड वेव को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा घातक है, समझना आपसे यही चाहेंगे कि आखिर ये सेकेंड वेव है क्या? बेसिकली जब वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होता है तो वायरस धीरे धीरे चेंज होता रहता है बाई मीटिंग डिफरेंट वायरसेस, रिप्रोड्यूसिंग एंड कमिंग अप विद डिफरेंट स्ट्रेन्स। सो वायरस के जो सर्फेस पे जो एंटीजन्स होते हैं वो चेंज हो रहे हैं, उससे उसके नेचर में स्प्रेड करने की जो कैपेसिटी चेंज हो रही है, उसकी कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द करंट ट्रीटमेंट, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं या और कुछ ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली जो अभी जो म्यूटेटेड वायरस जो चल रहा है वो ज़्यादा घातक है पहले से और ज़्यादा फैल भी रहा है, और पुराने जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट थे, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट थी, उसमें रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है। तो हमारे ख्याल से ये ज़्यादा घातक है, और आई थिंक इसी रीजन से इंडिया में भी ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी थक गए थे साल भर से मास्किंग और ये करते हुए, और अब ये ऐसे समय पर सबने अपना गार्ड डाउन किया है जब ये ज़्यादा खतरनाक वायरस सामने आया है। डॉक्टर रणवीर, 2020 की हम बात करें जब कोविड आया और एक साल की महामारी का दौर बीत चुका है और अब 2021 में सेकेंड वेव आई है, क्या मास्क को लेकर जो बार बार बातें कही जा रही है, मास्क बहुत अनिवार्य है, लेकिन क्या मास्क में भी अब सेकेंड वेव में बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, ये तो इसमें शुरू से कहा जा रहा है कि जो 6 फीट का डिस्टेंस है और मास्क पहना जाए, तो डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है, मास्क में जरूर चेंज है। मास्क में मल्टी लेयर्ड मास्क हमेशा से कहा गया है, यहाँ CDC में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि मल्टी लेयर्ड मास्क होना चाहिए। तो जो सर्जिकल मास्क है या जो N95 है वो ऑलरेडी मल्टी लेयर्ड और काफ़ी फाइन पोर के हैं, तो जिसके थ्रू कोई भी ड्रॉपलेट या वायरस नहीं जा सकता। और कई लोग सिंपल कपड़े का एक लेयर कपड़े का मास्क पहन लेते हैं, उससे कुछ फ़ायदा होता है पर बहुत पर 100% प्रोटेक्शन नहीं है। तो मल्टी लेयर्ड मास्क जो मल्टीपल कपड़ों की लेयर हो या सर्जिकल मास्क हो, और या ऑब्वियसली अगर N95 मिलता है तो वो तो मास्क डेफिनेटली मल्टी लेयर होना चाहिए और डिस्टेंस जरूर मेंटेन करनी चाहिए, उसमें तो अभी भी बेनिफिट है। कि सिंपल कपड़े का मास्क भी उतना ही असरदार है? इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां पे अफोर्डेबिलिटी नहीं है वहां पे कपड़े का मास्क इज स्टिल वर्किंग, बट इट हैज टू बी कपल लेयर्स। अगर दो मास्क कपड़े के या तीन कपड़े के मास्क पहनोगे तो उससे बेटर कपल लेयर प्रोटेक्शन बढ़ेगा, और डिस्टेंस अगर मेंटेन करोगे तो इसमें भी फिर भी इसमें काफी प्रोटेक्शन मिलेगा। डॉक्टर रणवीर, पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं भारत में, जिस तरह से आंकड़े रोजाना हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये वेव इतनी ज्यादा खतरनाक हो रही है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली लोग लापरवाह हो गए हैं और लोगों के मन से डर भी कम हुआ है, और इसका मैं इतना एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे एक आप मेंढक को अगर गर्म पानी में डालेंगे तो वो अचानक बाहर कूद जाएगा, और उसे ठंडे पानी में डाल के बॉइल करोगे तो वो बैठा रहेगा जब तक ही मर नहीं जाता। तो इस तरह की कुछ स्थिति देखी जा रही है। लास्ट टाइम जब गर्म पानी था तो सब बच के रह रहे थे, सब अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, सब काम बंद कर दिया था। अब जब आ चुका है, अब जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लोग उसके अंदर साथ में बॉइल हो रहे हैं, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि अभी जो डेथ रेट है वो काफ़ी बढ़ गई है, और हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है। तो मेरे ख्याल से लोगों में लापरवाही डेफिनेटली बढ़ गई है, और लोगों के अंदर से समहाउ डर निकल गया है,
इवन दो इतने लोग मर रहे हैं, आई कांट इमेजिन कि व्हाई पीपल आर नॉट स्केयर्ड। बिल्कुल डॉक्टर रणवीर, क्या आपको भी लगता है कि भारत में ट्रीटमेंट में भी बदलाव करने की अब जरूरत है? तो इंडिया में ट्रीटमेंट में यह है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट हो और स्टेरॉइड का टाइमली जुडिशियल यूज किया जाए, जहां पर आपको इन्फ्लेमेशन दिख रहा है उसको ट्रैक करके, और रेमडेसिविर पे इतना जोर ना दिया जाए जिससे कि लोगों का ध्यान और गलत चीज़ों में जा रहा है। रेमडेसिविर का रोल 5-10% बेनिफिट है, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो और जो स्टडीज़ करने की ज़रूरत है वो है कि अगर अर्ली फेज़ के अंदर जब वायरल रेप्लिकेट हो रहा है फर्स्ट फेज़ में, विच इज़ 1-6 days, उसके अंदर अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो US में दे रहे हैं उसका ट्रायल देखने की ज़रूरत है वहाँ पे। और दूसरा है कि जो रेमडेसिविर अगर अभी सिर्फ ऑक्सीजन यूज होने पे लगाया जा रहा है और उसका, और जब वेंटिलेटर पे आ जाए तो भी उसका कोई रोल नहीं है, तो ये स्टडीज देखने की जरूरत है कि अगर अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया जाए, बिकॉज रेमडेसिविर रेप्लिकेशन को स्लो करता है या बंद करता है थ्रू पॉलीमरेज, यू नो आरएनए पॉलीमरेज, तो ये देखने की जरूरत है कि उसे अर्ली स्टेज में दिया जाए तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो आपका सीधा जवाब ये होगा कि ऑक्सीजन, टाइमली जुडिशियल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मल्टी लेयर्ड कपड़ों के मास्क भी चलेंगे पर शुड बी मल्टी लेयर्ड एंड डिस्टेंसिंग, आई थिंक दिस इज द वे टू गो। ये बात तो है ट्रीटमेंट की, और प्रिवेंशन के अंदर ये है कि जितने भी ट्रीटमेंट है, जैसे रेमडेसिविर में 5-10% बेनिफिट है, पर वैक्सीन के अंदर 90-100% बेनिफिट है। ये लोग भूल जाते हैं कि जो असली चीज़ है वो वैक्सीन है। जिसको वैक्सीन लग रहा है वो लोग इस सीरियस कंडीशन में जा ही नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ अगर इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड होता है, द बॉडी कैन फाइट इट आउट। पर जिसको वैक्सीन नहीं लगा है वो लोग फिर जा रहे हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, ARDS, वेंटिलेटर। तो द बेस्ट ट्रीटमेंट भी मैं देख रहा हूँ, अब 40 साल के लोग भी मर रहे हैं जिनको पहले कोई डायबिटीज नहीं है, कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, दे आर ऑल्सो डाइंग। आई थिंक द मेन रीजन इज द बॉडी ओवर रिएक्ट्स एंड द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प इज टाइमली वैक्सीन। इवन इफ इट इज जस्ट वन वैक्सीन, एटलीस्ट 2 weeks, दे विल गिव अ सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन। डॉक्टर रणवीर, आपका कहना है कि वैक्सीनेशन से इस मुश्किल हालात से पार पाया जा सकता है, यानी इससे हम बच सकते हैं, निकल सकते हैं, तो क्या यही माना जाए कि वैक्सीनेशन ही इसका हल है और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहिए? यस, डेफिनेटली वैक्सीन इज द ओनली वे। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोरोना इन्फेक्शन इज लाइक कि आप यू आर फॉलिंग फ्रॉम अ प्लेन, द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इज अ पैराशूट, एंड द पैराशूट इज द वैक्सीन। और जो रेमडेसिविर है, इस इज लाइक यू होपिंग दैट यू लैंड ऑन अ हेस्टैक या कहीं घास में गिर जाओगे बच जाओगे, दिस इज जस्ट मिसकंसेप्शन। वी हैव टू सी थिंग्स इन पर्सपेक्टिव दैट रेमडेसिविर हैज अ लिमिटेड रोल, लिमिटेड बेनिफिट, वैक्सीन, डिस्टेंसिंग एंड मल्टीलेयर्ड मास्क इज द वे टू गो। डॉक्टर रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके अनुभव, आपके सुझावों से बहुत कुछ सीख पाएंगे।